जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जिला के लिए 43 डॉक्टर्स की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 3 स्पेशलिस्ट और 4 MBBS डॉक्टर्स हैं। इन डॉक्टर्स की तैनाती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। वहीं 81 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी जिला को मिले हैं। जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रदेश सरकार ने करीब 100 चिकित्सकों की तैनाती अनुबंध के आधार पर प्रदेश भर में की है। इसमें 43 डॉक्टर की तैनाती जिला कांगड़ा के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर की गई है। जिला कांगड़ा में लगभग 100 से अधिक डॉक्टर्स के रिक्त पद हैं। इनमें से हाल ही में अनुबंध के आधार पर 43 डॉक्टर्स की तैनाती आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र की आयुष्मान वेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया में हेल्थ सब सेंटर के लिए 81 CHO की भी तैनाती आदेश जारी किए हैं, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। सर, जिले में नए डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है, सर कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है और कहां कहां इनकी नियुक्ति की गई है? विभिन्न संस्थानों में रिसेंटली 43 डॉक्टर्स सरकार द्वारा नए नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से 3 स्पेशलिस्ट हैं और 40 जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं। और इनके आने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं वो सुदृढ़ होंगी। सर, जिले के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तैनाती की है? हाँ, सारे जिले के विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में तैनाती की है, जिनमें से 3 जो है जो हॉस्पिटल धर्मशाला में भी नियुक्त किया है। इसके साथ में मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली लास्ट वीक ही सरकार द्वारा हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में हमारे जिला में 81 नियुक्तियाँ की गई हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, और लगभग सभी ने उसमें डिफरेंट हेल्थ सब सेंटर्स में जो वेलनेस सेंटर कहलाए जाएंगे वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी है, जिससे हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।